हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पाली के नवनियुक्त जिला पुलिस अधीक्षक कालू राम रावत ने किया जिले के सोजत उपखंड के सोजत सर्कल के पुलिस उप अधीक्षक डॉक्टर हेमंत कुमार के साथ सभी थानों का किया औचक निरीक्षण। कस्बे के सोजत रोड थाने में जिला पुलिस अधीक्षक कालू राम रावत ने पहुंचने पर थाना अधिकारी सीमा जाखड़ ने की अगवानी। पुलिस के जवानों ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर। इस दौरान नव नियुक्त जिला पुलिस अधीक्षक कालू राम रावत का थाना प्रभारी सीमा जाखड़ सहित सभी जवानों ने गर्मजोशी से भव्य स्वागत किया। पुलिस अधीक्षक ने कानून व्यवस्थाओं का जायजा लिया। माल थाना बैरिक स्वागत कक्ष कार्यालय व थाना अधिकारी कक्ष का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक कालूराम रावत ने सोजत सर्कल में बेहतरीन कार्रवाई के लिए सोजत पुलिस उप अधीक्षक डॉक्टर हेमंत कुमार एवं थानों के सभी HSO व जवानों की प्रशंसा की एवं इस वर्ष भी इसी तरह के कार्य करने के लिए कहा एवं जवानों का परिचय लिया व उनकी समस्याओं को सुना। इस दौरान पुलिस अधीक्षक का कस्बे के गणमान्य लोगों ने भी माला व साफा पहनाकर स्वागत किया। अभी जो समीक्षा की है सोजत व्रत क्षेत्र की, डिप्टी साहब और SHO से बात हुई, उस आधार से वर्ष 2020 में भी इन्होंने 2019 के मुकाबले 3 गुना कार्रवाइयाँ की है जी। 2019 में इस सर्कल की 8 कार्रवाई थी, 2020 में 25 कार्रवाई हुई है और बहुत ज़्यादा मात्रा में डोडा चूरा अफीम इसकी बरामदगी की, अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया है। जागरूक टीवी के लिए सोजत से बाबूलाल पवार की रिपोर्ट।